नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ टी न्यूज। सरीन डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जिले में कांग्रेस संदेश पद यात्रा निकाली गई। कल से जिले भर में निकाली जा रही यह पद यात्रा आज इटवा विधानसभा में निकाली गई। इस पद यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पद यात्रा में शामिल लोगों ने हाथों में किसानों के समर्थन में बैनर लेकर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सोहेल अहमद ने कहा कि किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यह पदयात्रा कल से जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जा रही है। कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता पूरी तरह किसानों के साथ है और जब तक यह किसान विरोधी काला कानून सरकार वापस नहीं ले लेती है, इस तरह का विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार के दमनकारी रवैये के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उनके कार्यकर्ता हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार है। 136वां स्थापना दिवस था और इस स्थापना दिवस पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह निर्णय लिया था कि कृषि बिल कानून की आड़ में जिस तरीके से देश के किसानों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, पिछले डेढ़ महीने से लाखों किसान दिल्ली में डेरा डाले हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में रोज किसानों की मौत हो रही है। पूरा देश का किसान आंदोलित है, सब चाहते हैं ये काला कानून वापस हो, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता से अड़ी हुई है। सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। तो कल से पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हर विधानसभाओं में कांग्रेस संदेश पद यात्रा शुरुआत की थी। कल हमने कपिलवस्तु विधानसभा में किया है, आज हम इटवा विधानसभा में ये पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम साहब की क्यादत में, हमारे जनपद के प्रभारी आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी की क्यादत में आप देख रहे हैं ये हजारों कांग्रेस का कार्यकर्ता आज किसानों के समर्थन में किसानों के हक हकूक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हम सड़कों पर उतरे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए, अन्यथा कांग्रेस के लोग इसके बाद अपने सरों पर कफन बांधकर इन सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आर पार के संघर्ष करें। कांग्रेस पार्टी को पंजाब का किसान जिसने इस लॉकडाउन में लाखों भारतवासियों की सेवा की थी, लाखों लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया था, तब वो अच्छा देश का अच्छा नागरिक था। आज जब वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरा है तो उसको ये खालिस्तानी बोलते हैं। भाजपा के लोग बेलगाम हैं, जिसको जो चाहे कह लें, जिसके ऊपर जो चाहे आरोप लगा लें। अगर यही विपक्ष का कोई नेता बोला होता तो अब तक शायद वो जेल में होता। आज देश पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली में जो लोग इकट्ठा है वो खालिस्तानी है या देश के।